हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और हम लोग गए थे बाहर, तो बाहर का ये मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था। इससे पहले भी एक क्लिप था, वो मैंने फिर डिलीट कर दिया बिकॉज वो ना अच्छे से सेट नहीं हुआ था। कैमरा मैंने रखा हुआ था बोनेट के ऊपर, और जैसे गाड़ी वगैरह चलती है ना, तो वो चलते चलते फिर कैमरा थोड़ा बहुत हिल जाता है, तो वैसे ही हुआ। तो फिर मुझे वो सही नहीं लग रहा था, मैंने कट कर दिया। फिर हम लोग ने आते वक्त चाय पी थी, चाय हमने रोड साइड पर ही पी थी, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चाय मिलती है, तो वो चाय पी थी। और उसी के साथ फिर मेरे हस्बैंड एक समोसा भी लेकर आ गए थे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, प्लास्टिक की तरह था। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत खा लिया और बाकी का तो मैंने फेंक ही दिया। एक पता नहीं क्या अजीब सा था, बिल्कुल अच्छा नहीं था। और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं स्वीट की शॉप पर, और स्वीट की शॉप पर इसलिए आए हैं क्योंकि नेक्स्ट डे है न्यू ईयर। तो इससे पहले का ये व्लॉग मैंने शूट करना शुरू किया है, मतलब एक दिन पहले स्टार्ट किया था, बट मैंने कंप्लीट नहीं किया था, तो मैंने थोड़ा बहुत ही शूट किया था। उसके बाद फिर मैंने सेकेंड डे अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। स्वीट में मैंने लिया था कलाकंद। वैसे मैं ज़्यादा तौर पर बेसन के लड्डू लेती हूँ, लेकिन इस बार मेरी बेटी बोली मम्मा कलाकंद लेकर आ जाना, बेसन के लड्डू उसको पसंद है, इसलिए हम लोग कंटिन्यू बेसन के लड्डू ही लेकर आते हैं, जहाँ फिर वो बर्फ़ी जो होती है ना वो। अभी खुद से बोली मैं बोर हो गई, अभी कुछ नई वाली स्वीट लेकर आए, तो वही लेकर आए। पहले हम लोग हमेशा यही वाली लेकर आते थे, कलाकंद लेकर आते थे, तो वो लड्डुओं पर आ गई अभी लड्डुओं से, फिर अभी वापस कलाकंद पर बोली अभी चेंज चाहिए, तो वो लेकर आए। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ से लिया, और यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं घर पे, और यहाँ पर हम लोग अपने घर पे आ गए हैं। ये हमारे घर के ऊपर से मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया था। अभी आ गया है सेकेंड डे। मेरी तरफ से आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैंने अपना फिर दूसरा दिन जैसे स्टार्ट किया, तो मैंने पूजा की और मैंने प्रसाद में वही कलाकंद स्वीट्स जो लाई थी वही चढ़ाई थी। और बस इसी तरीके से मैं सुबह की पूजा करती हूँ हर दिन, और शाम को सिर्फ एक दिया जलाती हूँ और अगरबत्ती, और कभी कभार तो ये दिया मेरा पूरा दिन जलता रहता है अगर मैं बीच में डाल देती हूँ। और आज घी नहीं था, तो मैंने सिर्फ तेल से जो हमारा स्पेशल ऑयल होता है ना पूजा वाला, उसी को यूज़ किया था। और यहाँ पर आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैंने केन में तेल डाला है, और आज मैं बनाने वाली थी रेडिश के पराठे। रेडिश थोड़ी सी कम पड़ रही थी, तो फिर मैंने उसके अंदर ना थोड़े से प्याज चॉप करके डाल दिए, ताकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा बन जाए, और फिर क्वांटिटी ज़्यादा बनने से 5 से 6 पराठे बन गए। धनिया डाला, और यहाँ पर मैंने दाल धो दी थी, धोकर 15 से 20 मिनट के लिए मैंने ऐसे ही रख दी थी कुकर में। उसके बाद फिर मैंने कुकर ऑन कर दिया, तो मैंने आज दाल बनाई है माँ की। और थोड़ी देर के बाद ही मेरे फिर हस्बैंड लेकर आ गए थे चिकन, तो चिकन मैंने बनाया था, और चिकन बहुत ही ज़्यादा सुपर सुपर डिलीशियस लग रहा था। खाया तो मैंने ये, मैं खाती नहीं हूँ, बट फैमिली बोल रही थी कि बहुत ही ज़्यादा आज अच्छा बना है। तो यहाँ आप देख लीजिए मसाला जो मैंने आपको बताया है, रेडिश और अनियन को चॉप करके बनाया है, और ये पराठे बहुत ही ज़्यादा इस बार सुपर डिलीशियस बने हैं, क्योंकि मैंने कभी भी रेडिश के अंदर अनियंस वगैरह नहीं डाले हैं। हमेशा मैं रेडिश के अंदर डालती हूँ धनिया, मिर्ची और बाकी के जो भी मसाले मुझे पसंद है वो डाल देती हूँ। और यहाँ पर पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं, आ जाइए आप भी खा लीजिए। और मैंने लगा ली थी आज सुबह सुबह ही वॉशिंग मशीन लगाने, तो मुझे टॉवल भी थे, बट फिर मैंने नॉर्मल वाले कपड़े पहले धो दिए, और वॉशिंग मशीन में मंडे को लगाऊंगी। और ये ब्लॉग मैंने सैटरडे से स्टार्ट किया और संडे को कंप्लीट किया, और अभी जस्ट जॉब का तो दिन में रहता है ना तुम्हारा। अच्छा कल छुट्टी थी। अच्छा हाँ हाँ
यहाँ पर रखे हुए हैं। मैंने खाना वगैरह जो भी मैंने तड़का लगाना था वो सब कर लिया और वॉशिंग मशीन में कपड़े वगैरह धो रही थी साथ ही साथ। तो यहाँ पे ना मैंने अभी मैंने ना चिकन काफी टाइम पहले रख दिया था, इसमें ना मुझे थोड़ा सा डालना है पानी और ये कलेजी है ना वो मैं निकाल लूंगी। मेरी बेटी को ना कलेजी बड़ी अच्छी लगती है। सोच रही हूँ थोड़ा सा ना मैं पानी डाल दूँ और इस तरह से हमारे सैन के लिए चिकन चिकन मतलब वो जो होते ना नेक पीस वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं मुझे। तो ये रही कलेजी, इसमें थोड़ा सा ना मैं पानी डाल देती हूँ क्योंकि ना मुझे ड्राई ड्राई सा लग रहा है। यहाँ पे रख देती हूँ okay. हाथ में फोन पकड़ना। तो अभी ना मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ चिकन में, लाइट बड़ी पड़ रही है वहां से, थोड़ा सा डाल रही क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राई ड्राई लग रहा था। डिलीशियस लग रहा है। अभी बाहर जाकर देखते हैं, मैंने थोड़े से कपड़े तो डाल दिए तारों के ऊपर, थोड़े से मैं बाद में अभी मशीन में रखे हुए हैं तो वो डालूंगी। ठीक है तो बाहर चलते हैं। और यहाँ पर मैंने कपड़े डालने स्टार्ट कर दिए हैं, थोड़े बहुत मैंने डाल दिए थे पहले वाले जो टर्न होते हैं वो। और मैं बात कर रही थी कि अभी एडिट करने बैठी हूँ और थोड़ी देर में ही इसको मैं अपलोड कर दूँगी इस ब्लॉग को, मुझे 3 दिन लगे बनाने को। और बस अभी कपड़े डालूंगी, उसके बाद फिर मेरा जो भी खाना बना मैंने रेडी किया है वो आज कितने बजे हमने खाया था, 2 बजे खाया था वो सब। फिर हस्बैंड का टाइम हो जाएगा आने का, आ जाएंगे। थोड़ा सा अपने घर के पास जो हमारा ऑफिस है ना वहीं पर गए तो झट से आ जाते हैं, झट से चले जाते हैं। बस वो आएंगे तो उसके बाद में लंच वंच करेंगे, फिर दोपहर का जो भी हमारा होता है सोना वगैरह, टीवी देखना है, सोना है या कुछ भी करना है तो वो हम लोग कर लेते हैं दोपहर को। मेरे हस्बैंड तो जल्दी सो जाते हैं, मैं ही रहती हूँ जागते हुए। मुझे नींद की प्रॉब्लम है, मुझे नींद नहीं आती है ज़्यादा, पहले से ही नहीं आती है। तो कभी कभार बहुत अच्छे से नींद आ भी जाती है, ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आती, आती है बहुत अच्छे से। अगर आ जाती है तो फिर मेरा होता है कि मैं उठूँ ना आराम से सोई रहूँ, तो बहुत अच्छे से फिर सो भी जाती हूँ। और वैसे भी मेरी नींद बहुत कम है पहले से ही, जैसे कि मैं छोटी थी ना तब भी मुझे नींद नहीं आती थी, ऐसे ही बस जागती रहती थी। तो इसको नींद नहीं आती, इसको नींद नहीं आती, सभी लोग बोलते हैं। अभी मेरे हस्बैंड भी ऐसे, तुम सोते क्यों नहीं हो, तुम पूरा दिन ऐसे ही जागते रहते हो, पूरा दिन काम भी कर लेते हो फिर भी थक जाते हो इतना, उसके बावजूद भी तुम्हें नींद नहीं आती। तो पता नहीं मेरी नींद बहुत कम है और नींद मुझे बड़ी मुश्किल से 4 से 5 घंटे मैं ले पाती हूँ, ज़्यादा नहीं ले पाती हूँ। और बस यहाँ पर मैंने पोछा वोछा लगा दिया, कपड़े वगैरह सेट कर दिए है, तो अभी जस्ट मेरा ब्लॉग कम्प्लीट होने वाला है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब। तो मेरा खाना वगैरह बन चुका है, सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ राइस। चिकन तो वैसे आपने देख ही लिया है और यहाँ पे जो मैंने दाल बनाई थी वो, इसमें से ना मैंने पूरी दाल उठा के रख दी है फ्रिज में क्योंकि अभी चिकन बनाया तो बच्चे और हस्बैंड तो चिकन ही खाएंगे, वैसे भी लोग दाल तो खाते नहीं है ज्यादा, और चिकन काफी ज्यादा अच्छा वाला बना है। तो यहाँ पर कलेजी, वैसे आपने ये सब देख लिया है। और यहाँ पर सैंड के लिए, इसका सिर्फ हम लोगों ने किया था बॉइल्ड। और अभी कपड़े वगैरह मैंने धोल दिए हैं, और कपड़े वगैरह मैंने धोल दिए और सब कपड़े मैंने डाल दिए, आपने देख ही लिया। तो अभी जस्ट इधर देखो सैंड कैसे पानी पीने आया, चेंगू मामा पी रहा है, चेंग मामा पी रहा है। इसको ना इतना बड़ा टब चाहिए पानी पीने के लिए।
तो हो सका तो मैं ये वाला जो आज का व्लॉग है मैं आज ही एडिट करूँगी और अपलोड करूँगी, नहीं तो फिर मैं कल देखती हूँ, कल अपलोड करूँगी। ठीक है, और कुछ काम तो नहीं है ज़्यादा, बस ये व्लॉग मैंने दो दिन से शूट किया, कल शूट किया थोड़ा सा फर्स्ट क्लिप और सेकंड क्लिप मैंने अभी जस्ट शूट किया और फिनिश किया, और देखते हैं अभी हम लोग आगे मैं शूट करती हूँ कि नहीं करती हूँ, अदरवाइज़ मैं अभी से आप लोगों को करूँगी बाय बाय, और मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। यहाँ पर मैंने लगा ली है अपनी प्लेट, बच्चों को और हस्बैंड को मैंने दे दी है, और मैंने ली है थोड़ी सी दाल एक कटोरी भर कर, और उसके अंदर मैंने डाला है देसी घी हाफ स्पून, और साथ में मैंने लिए हैं राइस। और मुझे पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है, और आजकल फिर से मेरा पराठा शुरू हो गया है। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अपनी थाली लेकर, आ जाइए आप भी खा लीजिए, और इसी के साथ मैं फाइनली करती हूँ बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।